नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्तों इनके पाम कंचे शुरू करते हैं। आपके सवाल आपने ज्यादा कुछ पूछे नहीं, आपकी अगर आपके हाथ की रेखाएं ही देखी जाए तो देखिए आपके पाम में मुझे बेसिकली देखा जाए तो पहली नजर में पता चल गया था कि आपके पाम में काफी ज्यादा गड़बड़ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे चीजें पॉजिटिव कम दिख रही हैं और नेगेटिविटी आपके हाथ में काफी ज्यादा ही दिखती है अगर ध्यान से ही देखा जाए तो। सबसे पहला आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा है ही नहीं, जीवन रेखा यहाँ से निकलती है इस प्रकार, बहुत छोटी जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। मैं इसको जूम कर तो पता चलेगा कि ऐसे और ऐसे, फिर एक जीवन रेखा इस प्रकार जा रही है। देखिए किसी नॉर्मल पाम में जो जीवन रेखा होती है वो इस प्रकार की होती है, लेकिन आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार चलती है और यहाँ पर ही रुक जाती है। देखिए ये अच्छी अवस्था नहीं है, ये बिल्कुल भी एक पॉजिटिव साइड नहीं है, किसी भी रूप में इसको पॉजिटिव नहीं कर सकता। जीवन रेखा का छोटा होना, गठीला होना या फिर डार्क होना, ये आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में डालने वाला रहेगा। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएंगे। एक महादेव का महामंत्र होता है, उसका जाप आपको बताया जाएगा। वो मंत्र का जाप करने से, लगातार डेली जाप करने से आप पाएंगे कि कुछ सालों के अंदर ही आपकी जीवन रेखा लंबी होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि अगर जीवन रेखा छोटी होती तो मेजर दिक्कत स्वास्थ्य को लेकर आती है, तो आने वाले समय में आपको जो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आएंगी वो भी नहीं आने वाली रहेंगी, उसमें आपको निवारण उनका जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के पूरे योग में आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो देखिए मस्तिष्क रेखा में भी गड़बड़ मेरे को दिखती है। क्यों दिखती है देखिए, मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में यहाँ से चलती है इस प्रकार से और फिर ये टूट जाती है, फिर दूसरी मस्तिष्क रेखा मुझे आपके हाथ में यहाँ से चलती हुई दिखती है। देखिए मस्तिष्क रेखा बुद्धि, ज्ञान, विवेक, व्यक्ति के गुण धर्म, इन सबकी रेखा मानी जाती है। व्यक्ति गुणवान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धि किस तरह काम करेगी, पढ़ने में कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा, चालाक होगा, सीधा होगा, तेज होगा, तर्राक होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। अगर मस्तिष्क रेखा टूट जाए तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद जो आपकी एज मुझे दिखती है लगभग दिखती है 38 वर्ष, 38 वर्ष के पास या उसके आसपास में ही आपके जीवन में आपकी लाइफ के मॉरल्स, लाइफ की वैल्यूज चेंज होंगी और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा और जीवन के प्रति आप बहुत ज्यादा और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। इस तरह के योग भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो ये आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा में भी इतनी अच्छी अवस्था में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये आपकी हृदय रेखा मेरे को दिखती है और हृदय रेखा ये देखिए, ये अच्छी अवस्था नहीं है हृदय रेखा की, किसी भी रूप में इस हृदय रेखा को अच्छा नहीं कर सकता। ये रेखा आपको इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज, बड़ी समस्या देने वाली रहेगी। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय भी दिए जाएंगे। ये हृदय रेखा जब होती है तो व्यक्ति को रिलेशंस में धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, चाहे मित्र से हो, चाहे संतान से हो, चाहे माता पिता से हो, जीवन साथी से हो, किसी से भी क्यों ना हो, लेकिन रिश्तों में टकराव आना, रिश्तों में धोखे मिलना या फिर समस्याओं में पड़ना, इस तरीके के आपके हाथ में यहाँ पर आपकी हृदय रेखा मेरे को देखने को मिल रहे हैं। और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना स्थितियों करना ही पड़ता है। जिस तरह की हृदय की रेखा है, ऐसे जब भी किसी को पैसा देंगे वो लौट कर नहीं आएगा। और देखिए जिस ये हृदय रेखा इस बात को भी शो करती है कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, पर्सनल लाइफ में बड़े बड़े डिस्टर्बेंस ये रेखा देने वाली होती है। इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएंगे, उपाय करने पर आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो समझ सकते हैं कि हाथ की जो तीन मेजर रेखा है, चाहे जीवन की रेखा हो, मस्तिष्क की रेखा हो, हृदय की रेखा हो, तीनों अच्छी नहीं है। इसके बाद आपकी भाग्य की रेखा देखें तो देखिए भाग्य की रेखा यहाँ से चलती है इस प्रकार से, यहाँ से चली और यहाँ पर हल्की पड़ गई है। और लेकिन देखिए जैसे ही चाहे हल्की हो लेकिन आगे बढ़ रही है, यहाँ पर ये फिर फिश या फोर्क बना रही है, तो आप अपने जीवन में अपने करियर, अपने नेम, अपने फेम से सेटिस्फाई हो जाएंगे। जितना आप सोच रहे हैं कि मैं बड़ा होकर इतना पैसा कमाऊंगी या इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, उतना पैसा आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली रहेगी। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि ये भाग्य रेखा आपको जीवन में बड़ा भाग्य भी देने वाली रहेगी और दिक्कत आपको अगर भाग्य रेखा को छोड़ दें तो बाकी सारी रेखाओं की वजह से दिक्कत भी आपको रह सकती है। ओवरऑल आप समझ सकते हैं करीब आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर समस्या आ सकती है 40 वर्ष के बाद, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी रुक चुकी है, इसमें दिक्कत दिखती है। आगे अगर पर्वत देखें तो देखिए हाथ भी इतना मजबूत नहीं दिखता, पर्वत भी मुझे इतनी मजबूती नहीं दिखती। अगर मैं आपको सच सच बोलूं तो मुझे आपके हाथ में पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहे हैं किसी भी रूप में कैसे भी। अगर ये देखिए एक और नेगेटिव चीज यहाँ पर ये दिखती है आपके हाथ में कि ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ पर ये आपकी विवाह रेखा इस प्रकार नीचे की हृदय रेखा में मिल गई है। देखिए विवाह के लिए या फिर विवाह के बाद की स्थिति के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आपको अपनी शादी के बाद अपने जीवन साथी की सेहत का खास ध्यान रखना रहेगा, उसमें भी आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है या फिर
विवाह में प्रॉब्लम आना, बड़ी बड़ी समस्याएं विवाह में आ जाना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए आप यह भी समझ सकते हैं, देखिए जो जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इस उनके डरिएगा मत, घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आजकल लोगों को उन्हीं पामिस्ट उन्हीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पसंद होता है जो हमेशा तारीफ करते हैं कि जी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भला हो जाएगा। लेकिन देखिए मुझे जो दिख रहा है, चाहे बुरे से बुरा हो चाहे अच्छे से अच्छा हो, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर बोलता हूँ। तो आपके हाथ में, हाँ मेरे को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिखती है हाथ में, कुछ भी चीज मुझे अच्छी नहीं दिखती है। और बट इतना है कि मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि उपाय करने पर ये सारी समस्याओं का निवारण आपको हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत होइएगा कि आप घबरा जाएं और आप ये सोचने लगे कि सब कुछ नेगेटिव बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें नेगेटिव होती हैं, अगर समस्या है तो समाधान भी होता है। तो आपको एक एक जो आपके हाथ में दिक्कत दिखती है सबको सबका समाधान दिया जाएगा। जो हम आपको उपाय देंगे वो इस प्रकार के होंगे कि उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, कोई बड़ा हवन यज्ञ जादू टोना टोटका उल्टी सीधा कार्य कोई ऐसा कार्य नहीं होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण से आपको उपाय दिए जाएंगे। इसके बाद यदि आपके ग्रह देख लें तो शुक्र ग्रह अच्छे हैं, ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है आपके हाथ का। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है तो आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे खासे फायदे देखने को मिलेंगे। जब जब जहां जहां जैसे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उससे बड़ा लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपके हाथ का चंद्र, चंद्र जस्ट नॉर्मल है तो महादेव की भक्ति कीजिए, आपके जीवन में समस्या अगर आती है तो उनका समाधान आपको पहले ही मिल जाएगा, बड़ी बड़ी समस्या नहीं आएंगी। हरी मंगल अच्छे हैं, ठीक है, जस्ट नॉर्मल को कहा जा सकता है। हाथ में हल्का सा एक मिनी ट्रायंगल भी बन रहा है, बहुत हल्का सा है, तो कहीं ना कहीं देखिए पैसा तो जुड़ेगा, इमरजेंसी लाइक पैसा आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा, उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि संतान अच्छी निकलती है, संतान लाइक निकलती है, और जीवन में ऐसे व्यक्ति पैसा जोड़ने में समर्थ होते हैं, पैसे का सदुपयोग हमेशा करते हैं, ये चीज मुझे आपके हाथ में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखा जाए तो उंगलियां भी जस्ट बराबर है, बृहस्पति हल्के से दब गए, डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर साइन बन रहा है। कहीं ना कहीं जैसे आपके कर्म रहे हैं ये कर्म आपको मोक्ष और मुक्ति की राह पर ले जाएंगे। ये अच्छा साइन है, बहुत शुभ साइन होता है। ये फ्रूट साइन रात की ओर दिखाता है कि अगर आपके हाथ में 100 नेगेटिविटी है और केवल ये साइन है तो आप समझ जाइए कि ये इतना अच्छा साइन है कि उन 100 नेगेटिव चीजों पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, ये साइन वाला व्यक्ति अगर हर 15 दिन में दान दक्षिणा करे, पैसे की नहीं अन्न की, खाने की चीजों की, गरीबों में अन्नदान करे, या फिर कोई एनजीओ चलाए, कोई भी फाउंडेशन खोले, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपना सहयोग दे, तो भाग्योदय इतना होता है, इतना होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि समाज के लिए, जानवरों के लिए सेवा का कार्य करने से, तो समाज सेवा करने से भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। जितने भी दुख समस्या आगे आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। शनि दबे हुए हैं लेकिन मछली का साइन साइन है, तो अगर ऐसे व्यक्ति सत्य धर्म और भगवान की भक्ति करें या तीन रास्तों पर चलें तो समस्याएं नहीं आती हैं। और अगर देखें तो सूर्य भी जस्ट नॉर्मल है और बुध भी मुझे नॉर्मली दिखते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में ये बृहस्पति की और सूर्य की दोनों उंगली बराबर है, ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति कमजोर सेंसिटिव होता है और हमेशा ऐसे व्यक्ति थोड़े सेंसिटिव पाए जाते हैं, छोटी छोटी बातों को जल्दी भाप लेना, जल्दी उन पर रिएक्ट ना करना, ऐसे नेचर ऐसे व्यक्ति के होते हैं। बुध की उंगली घूम गई है, देखिए घूमी हुई बुध की उंगली क्या शो करती है। जब ये बुध की उंगली घूम जाए आप समझ जाइएगा, ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में कच्चे पाए जाते हैं। इन सारी चीजों में व्यक्ति को समस्या आती जाती है, तो ये चीज भी आपको दिक्कत परेशानी में डाल सकती है। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि जो आपकी ये रेखा, ये जो उंगली होती है व्यापार को दर्शाती है, तो व्यापारिक समस्या भी ऐसे व्यक्ति को आ जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाए तो बड़े बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं, तो ये चीज आपको दिक्कत में डाल सकती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपके पाम का लगभग लगभग पूरा एनालिसिस कर दिया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना हो जो हम नहीं बता पाए हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एड्रेस सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई है नहीं है सब बता दीजिएगा। एक सवाल जो रह जाए, जो भी कुछ पूछा हो सब बता दीजिएगा, हम आपके सारे सवालों हम आपके सारे सवालों का आपको जवाब दे देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।